भाई पाल साहब कैसे हो? पाल साहब बहुत बढ़िया। हमारे पाल साहब जो है वो भी शेर भाई हैं। कृष्णा चौधरी जाट भाई, जाट भाई राम राम भाई कैसे हो? कृष्णा चौधरी भाई आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कृष्णा चौधरी, अगर भाई मेरी बात माने तो। और ये बात मैं लाइव में सबके सामने कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना हाथ जोड़ के बोलूंगा, भाई कृष्णा चौधरी आप मेरे भाई हो, जाट भाई हो। मैं जाट भाइयों का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बहुत सारे यार दोस्त मेरे जाट भाई हैं, मेरे यार दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं। मैं सबसे पहले अपने ऊपर बोलूँगा कि लोग ये कहते हैं, लोग ये सोचते हैं कि अपनी कौम पे तो बोलता नहीं और औरों के लिए बोलता है। भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नवीन शर्मा, लेकिन भाई मैं पर्सनली, ठीक है नवीन शर्मा लिखा हुआ है, लेकिन मैं कभी कहीं ये नहीं कहता मैं ब्राह्मण हूं। भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, मैं भारत का हूं। समझ रहे हो भाई मेरे कृष्णा चौधरी जाट? मेरे को बहुत खुशी है, मैं जाटों का, मेरे बहुत सारे यार दोस्त जाट हैं, लेकिन इस नाम पे ना, देखो जाट हमारे देश की शान है, हमारे देश की खेलों में भी आगे हैं, सेना में भी आगे हैं, शहादत भी अपने देश के लिए बहुत दी है जाट भाइयों ने, और बहुत बहादुर कौम है। लेकिन भाई फिर भी ना सिर्फ जाट मत लिखो, आप कृष्णा चौधरी हिंदू लिखो। मैं, ये मेरी राय है हाथ जोड़ के, अगर भाई को बुरी लग रही हो तो मैं माफी मांगूंगा, ये मेरी राय है। एक आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे छोटे भाई हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है मेरे भाई कृष्णा चौधरी, क्योंकि देश के अंदर इतने इतने तरह की, देखो मैंने एक भाई का वीडियो सुना था और उस वीडियो के अंदर मैंने क्या देखा, वो कोई भाई था, उस भाई ने कहा कि अभी थोड़े टाइम पहले JNU में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। भाई वो टुकड़े क्या थे? उस भाई ने ये बात बताई, ये मेरी, मेरे दिमाग में नहीं आई ये बात, ये बात एक भाई ने कही, उसका मैंने वीडियो देखा। मैं उस भाई को नमन करता हूँ, दिल्ली का है वो भाई, वो भाई भी ब्राह्मण है, लेकिन मैं ये उसको ब्राह्मण बाद में मानता हूँ, मैं उसको हिंदू पहले मानता हूँ। भाई हिंदू बनो, बाकी सब कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन बनिया है, कौन चमार है, कोई नहीं है यार। लोग दलित, ये जो दलित नेता हैं, ये दलित नेता दलितों को भड़का रहे हैं, ठीक है। जो जाट नेता है जाटों को भड़का रहे हैं, राजकुमार सैनी जाटों के खिलाफ गलत बोल रहा है वो गलत है, ब्राह्मण नेता ब्राह्मणों को भड़का रहे हैं। अरे यार आपस का प्यार रखो मेरे भाई, मेरे को गर्व है आप जाट हो, कृष्णा चौधरी जाट भाई। लेकिन भाई मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस नाम के आगे आप हिंदू रखो, और चलो आप रखो भी जाट, मेरे को कोई, आप जाट हो आपको अच्छा लगता है आप रखो, लेकिन अपने साथियों में एक ये मैसेज जरूर दो कि आप सभी हिंदू हो, हिंदू हो। भाई अगर देश को बचा के रखना है ना तो एकता रखनी पड़ेगी दोस्तों, एकता रखनी पड़ेगी, और वो एकता भाई जरूर रखो, जरूर रखो, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के। भाई कृष्णा चौधरी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और अगर कोई और राव साहब है, कोई और राजपूत है, जैसे राजपूत भी लिखते हैं राजपूत, ब्राह्मण भी ब्राह्मण लिखते हैं, अरे इन जातियों में मत बटो भाई, मत बटो, सारे के सारे एक हो जाओ, सारे के सारे हिंदू हो जाओ, तभी ये देश बचेगा दोस्तों, तभी ये देश बचेगा। चंद्रशेखर आज़ाद, मेरे को चंद्रशेखर आज़ाद सीरियल बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली देखता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद डेली देखता हूँ दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद जी ब्राह्मण थे, हमारे भगवान थे, और लेकिन उनको कोई ये नहीं कहता कि वो ब्राह्मण क्रांतिकारी, वो हिंदुस्तानी क्रांतिकारी हैं, हिंदुस्तानी क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। और चंद्रशेखर आज़ाद जी के बचपन के जो दोस्त थे वो भील बस्ती के थे, वो नॉनवेज भी खाते थे, सब कुछ करते थे वो, ठीक है। उनको नीचे की जात, अब से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो दिक्कतें थी, नीचे की जात समझा जाता था, वो उनके खास दोस्त होते थे चंद्रशेखर आज़ाद जी के। तो भाई ब्राह्मणों में ऐसा कुछ नहीं है, हाँ कोई नेता है ब्राह्मण नेता, बड़ा ब्राह्मण नेता है, वो भड़का रहा है वो गलत है, मैं उसका पूरा विरोध करता हूँ, मैं उस ब्राह्मण नेता के साथ नहीं हूँ, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ मेरी पूरी ब्राह्मण कौम
वो भी हिंदू है, वो भी उस नेता के साथ नहीं है। ऐसे ही मैं सभी जाट भाइयों को, सभी गुज्जर भाइयों को, सभी राजपूत भाइयों को, सभी पंजाबी भाइयों को, सभी दलित भाइयों को और जितनी भी 36 बिरादरी हैं, मैं सभी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि सारे एक हो जाओ, सारे एक हो जाओ, सारे एक हो जाओ। और सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स ना नाराज़ हो जाएंगे, आज तो ना सर इमोशनल हो गए। कृष्णा चौधरी भाई, आप नाराज़ तो नहीं हुए भाई? नाराज़ हुए हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, आप जो भी हो, आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक था कि आजकल जो ये कौन था वो कन्हैया कुमार और उसकी गैंग अफजल पफजल, ठीक है, वो ये कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। सिर्फ उस टुकड़े ना हो, उसके खिलाफ मैं अपने देशवासियों को, अपने हिंदू भाइयों को जगाने की ये छोटी सी कोशिश थी। मैंने कोई प्लान नहीं किया था मैं इस चीज़ के ऊपर बोलूँगा दोस्तों, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बोलने का मन किया एकदम से। ये बस आपका मैंने ये देखा जाट भाई, भाई ना मैं ब्राह्मण, ना आप जाट, ना कोई बनिया, ना कोई दलित, ना कोई पंजाबी, सारे हिंदू हैं। और भारत माता की जय और वंदे मातरम दोस्तों। इसी तरीके से एक रहो, नहीं तो सही में ये देश के साथ गलत हो जाएगा। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो मोदी को देश बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मोदी जी को। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे एक